बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जी, तो आज मैंने सोचा कि एक्चुअली मेरे घर पे हो रहा है कुछ काम, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा सोचा है कि मैं थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन करूं अपने टेरेस पे, ठीक है। तो रगड़ाई का काम हो रहा है मेरे घर पे, तो मैंने कहा कि चलें साफ़ सुथराई तो हो ही रही है, लेकिन क्यों ना थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म भी कर लिया जाए, बिकॉज़ मैं अपने टेरेस को थोड़ा बहुत चेंज करना चाह रही थी काफ़ी अरसे से, ठीक है। तो एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ना बिफ़ोर वाली वीडियो दिखा देती हूँ, ताकि मैं आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो थोड़ा बहुत मैंने अभी सोचा है, अभी मैंने फाइनल लुक इसका सोचा नहीं है, देखें क्या बनता है। ऑब्वियसली इसको कुछ दिन लगेंगे, बट इंशाल्लाह आपके साथ एक ही ब्लॉग में शेयर करूँगी बिफ़ोर एंड आफ्टर। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अभी तक इस पे रगड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं हुई, ठीक है, और मेरे जो आप वहाँ से देख सकते हैं प्लांट्स सारे सूख गए हैं, बिकॉज मैंने ये सर्दियों के प्लांट्स लगाए हुए थे, प्लस मैं बीच में कुछ चली भी गई थी मतलब आउट ऑफ सिटी, जिसकी वजह से पानी नहीं दिया गया, तो ये सूख गए हैं, ठीक है। इनको चेंज करवाना है, प्लस ये पिलर्स पे मैंने सिर्फ जो है ये बेलें लगाई हुई थी, मैं इनको रिमूव करवाऊँगी। मेरी फेरी लाइट्स भी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं, एज यू कैन सी, एंड दिस इज़ हाउ माई। अच्छा, ये जो है क्योंकि घर पे काम हो रहा है ना, तो ये अंदर का सामान है जो कि इधर रखा हुआ था, और यहाँ पे मैंने ये चेयर्स और टेबल रखा हुआ है, और ये एक दो जो है ना इधर मेरी बिल्कुल ही यूजलेस से स्टूल्स पड़े हैं, मेरा बारबेक्यू स्टैंड है। सो दिस इज़ बेसिकली द मेसी टेरेस लुक्स लाइक, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपके साथ फ़र्दर जो है वो शेयर करूँगी कि अभी काम यहाँ पर हो रहा है, और फर्दर आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करेंगे कि ट्रांसफॉर्म होके कैसा लगता है और कितने दिन लगते हैं बेसिकली। जी, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं कि रगड़ाई का काम जो है वो शुरू हो गया है, और यहाँ पे पहले रगड़ाई होगी और उसके बाद होगी पॉलिश। सो या यहाँ पर काम चल रहा है, ठीक है जनाब। तो उसके बाद जब ये हो जाएगा तो हम लोग फिर आपको फाइनल लुक दिखाएंगे, और उसके बाद हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे कि ये जो है मैं किस तरीके से चेंज कर रही हूँ, बिकॉज मैं बोर हो गई हूँ इस स्ट्रक्चर से, तो इसको मैं थोड़ा बहुत चेंज भी करूँगी, ठीक है जनाब। जी जनाब, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी टेरेस को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ उसके लिए सामान लेने, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, धूप इतनी तेज़ है। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात कहूँगी कि जिस भी काम के लिए आप लोग निकलें, ऑब्वियसली काम के लिए तो निकलना पड़ता है घर से, लेकिन डोंट फॉरगेट टू अप्लाई योर सनब्लॉक, ठीक है जी। आप साथ साथ अपना भी ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रहें, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आजकल, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहें, जितना हो सकता है उतना पानी पीजिए, ठीक है। अपना साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, जैसे कि एज यू कैन सी कि मैं जब भी बाहर निकलती हूँ ना, मैं अपनी वाटर बॉटल अपने साथ लेती हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी हाइड्रेटेड रहें, ठीक है, फ्रेश जूसेस पिएं, और ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा यख ठंडा पानी अवॉइड कीजिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और बेशक जितनी भी ज़्यादा गर्मी है, अवॉइड कीजिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का ठंडा पानी पीना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बातें थी। अच्छा जनाब, तो अब चलते हैं उधर जहाँ मुझे जाना है, और उसके बाद वहाँ दिखाते हैं आपको। जनाब, तो मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पे डिफरेंट जो है वो चीज़ें हैं जो डेकोरेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं एक्चुअली ऊपर वाले फ्लोर में आ गई, और ये आप देख सकते हैं,
तो यहाँ से मैं कुछ अपनी अपने टेरेस के लिए जो है वो चीज़ें कलेक्ट करने लगी हूँ, और आई एम हेयर फॉर मैं यहाँ पर जो है ना कुछ चेयर टाइप चीज़ देखने आई हूँ, बिकॉज़ आई वांट अ चेयर फॉर माय टेरेस। तो यहाँ पर इनके ऊपर वाले पोर्शन में कुछ बच्चों के रूम की भी चीज़ें हैं, कुछ बच्चों से रिलेटेड चीज़ें हैं। सो देखते हैं क्या पसंद आता है, क्या परचेज़ करते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी तो जनाब, मैंने अपने टेरेस के लिए वहाँ से तो कुछ चीज़ें ले ली थी, अब मैं आ गई हूँ यहाँ नर्सरी पे। ठीक है, मुझे जो है वो कुछ यहाँ से पॉट्स चाहिए। एक्चुअली जो मेरे टेरेस पे पॉट्स पड़े हुए थे जिसमें नेचुरल प्लांट्स लगे हुए थे, मैं एक्चुअली अब ये चाह रही हूँ कि नेचुरल प्लांट्स ना लगाऊँ। ठीक है, उसके दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ जाता है, मुझे आफ्टर कुछ मतलब आफ्टर सम मंथ्स। ठीक है, जिसकी वजह से मैं पानी नहीं दे पाती और वो बार बार सूख जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो क्या होता है कि बार बार ये सीजनल जो है वो चेंज कराने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से भी वो ज़रा प्रॉब्लम होता है। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, नाउ लेट्स सी कि यहाँ से मैं क्या जुगाड़ कर पाती हूँ, और उसके बाद मैं आपको वो अपने टेरेस पे दिखाऊँगी कि मैंने यहाँ से क्या लिया था। जी तो जनाब, एज़ यू कैन सी के सफाई जो है जो होना होनी चाहिए थी वो हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे कबर्ड्स पड़े थे वो हट गए हैं, और अब बारी है मैं जो सामान मुझे कुछ चाहिए था वो भी मैं ले आई हूँ। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर ये वाली जो मेरी दीवार थी इसकी पेंट उतरी हुई थी, तो उसको हमने दोबारा से थोड़ा बहुत रीटच दे करवा दिया है। ठीक है, और उसके बाद हमने ये सफाई वगैरह इधर से करवा ली है। ठीक हो गया, तो अब बारी आती है इसको सेट करने की। तो चलिए फिर, सामान मैं ले आई हूँ, अब इसको हम जल्दी से सेट करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि एक खाली प्लेस को हमने कैसे डेकोरेट किया है। जी तो जनाब, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह टेरेस मेरा रेडी हो चुका है, और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये वही टेबल चेयर है जो आपको मैंने पहले दिखाई थी, उसको मैंने पॉलिश करवा के उसका कलर चेंज करवा लिया है। ठीक है, और ये जो लैम्प है आपको दिख रहा है, ये मेरा नीचे कहीं पड़ा होता था वो मैंने वहीं से उठा के ना ऊपर रख दिया है। ठीक हो गया, और ऊपर मैंने ये थोड़े बहुत ये लगा लिए हैं, और यहाँ पर पिलर्स पे मैंने दोनों पिलर्स पे मैंने ये डेकोरेशन लीव्स लगा दिए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके मैंने एक छोटा सा गार्डन अपना बना लिया है, लाइक जो कि अच्छा। ये कारपेट भी मेरे पास था जो मैं नीचे पहले लाउंज में यूज़ किया करती थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरा इससे जो है ना वो जी भर गया था, तो मैंने इसको लपेट के रख दिया था, और नीचे मैंने अपने जो लाउंज है उसमें दूसरा मैंने बिछा दिया था। लेकिन अब मैंने इसी को यूटिलाइज़ किया है, ठीक है, वॉश करवा के अच्छे से, बिकॉज़ ये ज़रा ग्रासी लुक देता है, तो मैंने इसी को ही यूटिलाइज़ कर लिया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने घर में से ही निकाली हैं, मैंने घर में से ही यूटिलाइज़ की हैं, उन्हीं को ही थोड़ा बहुत चेंज करके। ऊपर मैंने प्यारे से दो बल्ब लगा लिए हैं, और इनके अंदर जो है वो रेनबो बल्ब लगाए हैं जो कि कलर चेंज करते हैं। ठीक है जनाब, तो इसी तरीके से मैंने अपना ये सारा जो यहाँ पर एरिया आपको याद होगा, यहाँ पे कबर्ड्स पड़े होते थे वो रिमूव करके मेरा छोटा सा गार्डन बन गया, और यहाँ से चेयर्स हटा के मैंने यहाँ पर रख दी हैं। तो जनाब, ये मैंने थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म किया है अपने टेरेस को, और अब मेरा जो टेरेस है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। आई होप यू लाइक इट। तो जनाब, ये है हमारा नाइट व्यू जिसमें हमने अपनी सारी लाइट्स चला दी हैं और नेचुरल रोशनी जा चुकी है, और नाइट व्यू में कुछ टेरेस इस तरह से लग रहा है। तो आई होप यू लाइक दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ज़रूर मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लगी है, और छोटी सी कोशिश थी, और आप लोग भी जो है वो चेंज करते रहा करें अपने घर को, तो बहुत ही ज़्यादा वो खूबसूरत लगता है फिर, और आपको ख़ुद को भी देख के मज़ा आता है, आप भी इंजॉय करते हैं कि चेंजेस आ गई है कुछ। ठीक है जी, जी तो जनाब, फिर वाइंड अप करते हैं अपनी इस वीडियो को, इस ट्रांसमिशन की वीडियो को, और आई होप कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन की है वो भी आपको पसंद आई होगी।
मैं क्योंकि यहाँ पे बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, और प्लस ये जो मेरी फ्रेग्रेंट कैंडल है उसकी फ्रेग्रेंस भी इंजॉय कर रही हूँ, और इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि मैंने ये कहाँ से मंगवाई थी। अगर आपने नहीं देखी मेरी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो। और चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।